नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया 2021 में 84% लोगों की आय घटी। देश में नहीं घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटों में मिले 2,80,000 से ज्यादा मरीज। चुनाव अपडेट, बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव, अखिलेश लड़ेंगे चुनाव। और आखिर में 1982 में ऐतिहासिक संयुक्त हड़ताल को पूरे हुए 40 साल। ऑक्सफैम की रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में भारत के 84% परिवारों की इनकम घटी है और इसी दौरान देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे से पहले रविवार को जारी की गई। इस रिपोर्ट से पता चला कि देश में कोरोना के कहर के बीच हेल्थ बजट में 2020 से 21 के अनुमान से 10% की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट ये बताती है कि 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति रिकॉर्ड 57% 3,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसी साल में नीचे की 50% आबादी के हिस्से में सिर्फ 6% राशि आई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 440 लोगों की मौत हुई है। वहीं कल मंगलवार को कोरोना के करीब 2,40,000 मामले सामने आए थे, यानी एक दिन में कोरोना के मामले में करीब 45,000 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कारण साफ है कि टेस्टिंग कम या ज़्यादा होने पर कोरोना के मामले घट बढ़ रहे हैं। दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में कोरोना के हर दिन 25,000 से 40,000 तक नए मामले आ रहे हैं। देश में इस वक्त एक्टिव मामले 18,00,000 से ज़्यादा हैं। वैक्सीन की बात करें तो अब तक करीब 160 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 77,00,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बता दें कि अपर्णा ने 2017 में सपा की तरफ से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था और बुरी तरह हार गई थी। अपर्णा यादव के पति मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव हैं। इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे ये अभी पक्का नहीं हुआ है। साथ ही जेडीयू और वीआईपी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगी और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी। गोवा की बात करें तो आज आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए भी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गोवा चुनाव के लिए आप के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर बनेंगे। और अब बात करते हैं आज़ाद भारत की पहली सबसे बड़ी और सफलतम हड़ताल की। 19 जनवरी 1982 में बनारस मिर्जापुर रोड पर स्थित बाबर बाजार में मजदूरों, किसानों, खेतीहार मजदूर और छात्रों का एक विशाल जनसमूह प्रदर्शन कर रहा था। इस आंदोलन का आयोजन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और महासंघों द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान पर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जिले के किसान नेता भोला पासवान कर रहे थे। सुबह से ही आंदोलन में शिरकत करने के लिए लोगों के समूह आ रहे थे। बनारस के छात्र इसमें बड़ी संख्या में जोश के साथ हिस्सा ले रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर शांतिपूर्ण नाकाबंदी की थी, जिसके चलते परिवहन पूरी तरह से बंद हो गया था। पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस शांतिपूर्व विरोध के खिलाफ क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पुलिस फायरिंग में भोला पासवान की मौत हो गई, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। 19 जनवरी 1982 के दिन आज़ाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा संयुक्त हड़ताल का आयोजन किया गया था, जो न केवल पूरी तरह से सफल रही बल्कि इसकी सफलता में ने भविष्य में मजदूरों और किसानों की एकता कायम करते हुए संयुक्त संघर्षों के बीज बोए थे। आज न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए और हमें YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। देखने के लिए शुक्रिया।